पता थोड़ा हाँ, भी डाउट लगे तो। अब ये जैसे माना रिलायंस है, ये शीट दिख रही है, शीट दिख रही सबको। रही है सर, दिख रही है। तो माना अपने ने 1,000 शेयर बाई किया 2,000 रुपए में, ठीक है। तो अब अपना क्या है कि बाजार अगर घटा और रिलायंस घटी तो इसमें अनलिमिटेड लॉस है ना, और कितना लॉस हो सकता है, पूरे 2,000 हो सकता है अगर आरकाम जैसा केस हो गया तो, जिसका भाव 10 पैसे है। तो अभी अपने ने क्या किया कि अपने उस डाउन साइड रिस्क करने के लिए अपने ने क्या किया कि पुट बाई किया 40 रुपया में, अब इस ट्रेड में आप देखिए, इस ट्रेड में क्या है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, यही 40 रुपया। और माना ये पुट की एक्सपायरी सपोज करो है 29 अप्रैल की, तो यानी कि आपका ये ट्रेड 29 अप्रैल तक 40 रुपए के मैक्सिमम लॉस पे ओपन है, अपसाइड अनलिमिटेड प्रॉफिट है। लेकिन अगर डाउन साइड मार्केट गया तो, अगर सपोज कीजिए आज तारीख है 17 और मंडे को है 18, 19, 19 अप्रैल को रिलायंस खुली 1,800 रुपए, तो अपने को इसमें कितना लॉस हो रहा है, 200 रुपए का, यानी कि इंटू 2 लाख रुपए का। लेकिन ये पुट अपना बढ़ जाएगा, पुट कितना बढ़ जाएगा, ये करीब 248 रुपए के आसपास हो जाएगा, 245 के आसपास इसका रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 205 रुपए के। तो हमको जड़ में जो है वो 5,000 रुपए मिल ही रहे, समझ गए। तो ये क्या है, ये इंश्योरेंस हो गया ना डाउन साइड के लिए। और कब तक इंश्योरेंस है, 29 तारीख तक। ऐसे ही अगर हमने ये चीज बेची होती तो हम क्या करते, हम कॉल बाई करते, ठीक है, कॉल बाई करते। अब यहां पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कॉल बेच देते, इंश्योरेंस कराने के लिए हमेशा ऑप्शन बाई ही होगा, सेल नहीं होएगा। आपकी पोजीशन लॉन्ग और शॉर्ट हो सकती है, तो जब शॉर्ट पोजीशन है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ऑप्शन बाई करते हैं कॉल, क्योंकि कॉल क्या है, कॉल तेजी का ऑप्शन है। जब बाजार ऊपर जाता है तो कॉल बढ़ती है और पुट घटता है, और जब बाजार नीचे की तरफ जाता है तो पुट बढ़ता है और कॉल घटती है, इतना तो सबको मालूम ही होगा। तो ये बेसिकली ऑप्शन अपने होते हैं। अब इसका रेट जो है, ये 40 रुपया, ये 40 रुपया रेट कैसे तय होता है कि इसका रेट 40 होगा कि 45 होगा कि 35 होगा, ये कैसे तय होता है। तो इसका जो रेट है वो उन चार ग्रीक से जो हमने अब पहले भी बताया है उनसे तय होता है। डेल्टा, थीटा, वेगा एंड गामा, शॉर्ट में इसको बता देते हैं एक बार रिवाइज करने के लिए दोबारा। डेल्टा क्या है, डेल्टा बताता है चेंज इन ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइन का मतलब रिलायंस अंडरलाइन है। अगर आप रिलायंस में काम कर रहे हो, निफ्टी में काम कर रहे हो, तो निफ्टी अंडरलाइन। गामा क्या बताता है, चेंज इन डेल्टा ड्यू टू चेंज इन अंडर लाइन, ठीक है। ये गामा क्या बताता है कि डेल्टा में कितना चेंज होगा अंडरलाइन का प्राइस चेंज है। वे क्या क्या का बताता है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज इन आईवी। आईवी क्या है, इम्प्लाइड
थीटा क्या है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज इन डेज, दिन बदलने से ऑप्शन प्राइस में जितना चेंज आता है वो थीटा। इतना तो सबने पिछली बार हमने बताया था इसको डिटेल में, तो इतना तो मालूम होगा इसमें से किस इसमें। लेकिन ये बात श्योर है कि जिसने इतना मैंने अभी तक जितना बोला, इतना जिसने भी समझा होगा, उसके जरूर कुछ ना कुछ सवाल होंगे। सवाल पूछो तो उससे पता लग जाएगा कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है और कौन किसको कितना समझ आ रहा है। अर्पित पूछो यार। हेलो, पूछे सर, कोई शर्माने की, कोई झिझकने की, और कोई दिमाग में इस टाइप की चीज मत रखिएगा कि ये सवाल मैं पूछूंगा तो बेवकूफी भरा सवाल अगर हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी अपनी कुलीग्स के बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं समझिएगा, क्योंकि नो क्वेश्चन इज फॉर दिस क्वेश्चन। और कई बार जो है, मैंने एक स्ट्रेटजी बहुत प्रॉफिट मेकिंग सीखी थी एक बहुत फुलिश सवाल से, मतलब एक बहुत बेवकूफी भरे जिसको कहेंगे आइडिया से, लेकिन क्या है कि उस बेवकूफी भरे आइडिया के अंदर ही एक ऐसी चीज छुपी हुई थी कि जिसकी वजह से मैंने बहुत पैसे कमाए अभी तक। तो इसलिए नो क्वेश्चन इज फुलिश क्वेश्चन, बिल्कुल खुल के पूछिए, हम सब दोस्त की तरह से यहाँ पे, कोई सीनियर जूनियर वो सब कुछ नहीं है, तभी सीख पाएंगे। अगर नहीं पूछा तो मैं ये मान के चलूंगा कि सबको ये समझ आ गया है। अर्पित, जगवीर है भी ये लोग साथ में कनेक्टेड? कनेक्टेड तो सब हैं, लेकिन माइक इनके कोई नहीं ओपन कर रहा यार। कोई तो पूछो कुछ, अगर नहीं आया हो समझ में तो। दीपक जी, हाँ आ रही है, आ रही है। सर एक चीज पूछनी थी, जो प्रीमियम का मूवमेंट होता है सर, प्रीमियम का मूवमेंट ई को बता रहा है, हाँ बताएं, प्रीमियम का मूवमेंट होता है, ठीक है आगे सर। वो सर कैसे किस बेसिस पे होता है सर, ये बता दीजिए। जैसे मान लीजिए 15,000 की हमारी एक कॉल चल रही है सर, है ना, और सर हमने ले रखी जो जो स्ट्राइक प्राइस है उस जो करंट मार्केट प्राइस वो 15,000 चल रहा है, हमने स्ट्राइक प्राइस ले रखा 1,500 का, ठीक है सर। देखिए सेकंड, करंट मार्केट प्राइस आपका 15,000 चल रहा है, आपने 15,100 की कॉल खरीद रखी है, हाँ। माना 1,000 शेयर खरीद रखे हैं, कितने में सर ये कुछ जो भी चल रहा हो सर, प्रीमियम कुछ खरीद रखे, ठीक है ना, ठीक है सर, तो अपने बंद करते हैं अभी दूसरी शीट। हेलो, हाँ एक सेकंड, आपको ये स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर ये दिख रही है मुझे। चलिए यहाँ पे आते हैं। अब एक चीज मैं आज आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत बढ़िया है और जिसको कि आप अपने क्लाइंटों को सजेस्ट कर सकते हैं। ये एक हम लोगों का सॉफ्टवेयर होता है, इसको मैं बताता हूँ आपको।
क्या होता है ये, ये मैंने इसमें एक पोर्टफोलियो बनाया, अब यहाँ पे ये मेरा ये स्क्रीन दिख रही ना सबको, ये देखिए मैंने एक एक कॉल 1000 शेयर प्लस करी, अब ये प्लस करते ही देखिए क्या हुआ, इसका डेल्टा देखिए कितना आ रहा है 887 है ना, तो इसका डेल्टा क्या, यहाँ पे कहीं डेल्टा आ रहा होगा, रुको ये देखिए 0.84 इसका डेल्टा आ रहा है। अब इसका 0.84 डेल्टा का मतलब क्या है, सॉरी 0.59 आ रहा है, 0.59 डेल्टा का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेट कितना है, अच्छा वो मॉक ट्रेडिंग चल रही है। अच्छा अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे, इसको अपने ऑफलाइन करते हैं, ठीक है ना, 1500 पे इसका डेल्टा कितना आता है 0.50। इसका मतलब क्या हुआ, जो उन्होंने सवाल पूछा कि प्रीमियम में क्या चेंज होगा, प्रीमियम में क्या चेंज होगा, डेल्टा अपने को क्या बताता है कि ऑप्शन प्राइस कितना चेंज होगा अंडरलाइन की प्राइस चेंज होने से, यानी कि अगर भाव इसका अभी रेट इसका कितना चल रहा है 117.15, अभी अगर इसको हम कर देते हैं 15910, देखिए थ्योरिकल प्राइस इसका 74.24 चल रहा है, अभी आप ये देखिएगा मैं 10 रुपए बढ़ाऊंगा तो ये देखिएगा कितना चेंज होगा, 15910 कितना चेंज हुआ, 7937, यानी कि क्या हुआ, ये देखिए 15900 पे कितना था 74.24, तो 74.24 नेट 79.24, 5 रुपया, देखिए प्राइस चेंज हुआ ना, 74 वाला 79 हो गया तो 5 रुपया प्राइस चेंज हुआ ना, तो वो क्या था, वो डेल्टा था, तो यानी कि प्रीमियम जो उन्होंने सवाल पूछा कि प्रीमियम कितना चेंज होगा, वो प्रीमियम उतना बढ़ेगा घटेगा जितना उसका डेल्टा होगा। तो आपने कोई ऑप्शन खरीदा है और बेचा है तो आपको अगर ये जानना है कि मार्केट के मूवमेंट से इस ऑप्शन का रेट क्या हो जाएगा, तो तुरंत उसका डेल्टा देखना है, उसका जितना डेल्टा होगा वो ऑप्शन के मूवमेंट पे उतना उसका प्राइस घट बढ़ जाएगा। जैसे हमने ये कॉल बाई कर ली 74 रुपए में और इसका डेल्टा 50 का था, तो देखिए 10 रुपए बढ़ते ही ये जो है 5 रुपया बढ़ गया, समझ गए सवाल का जवाब आया। सर एक बार 15950 करके दिखाना। हाँ 15950 करते हैं, 15950, अब देखिएगा 74.24 है, अब कितना बढ़ना चाहिए आप निकाल के बताओ मेरे को, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से 25 रुपए बढ़ना चाहिए इसे। हाँ 25 रुपए बढ़ाना चाहिए, ठीक है 5 रुपए है ना, अब आप अपने देखते हैं ये कितना है, चौहत्तर 24
और इसको जैसे ही करेंगे इसका रेट क्या हो गया, देखिए 102 रुपया माइनस 102 बढ़ गया ना 25 रुपया। हाँ सर ऑलमोस्ट, लेकिन क्या है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, 25 से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा। हाँ 27 रुपए 76 पैसे बढ़ा वो, तो ये 2 रुपया ज्यादा क्यों बढ़ गया, क्योंकि अंडरलाइन के चेंज होने से डेल्टा भी बदलता है, ये बताया था ना। कौन बताता है? गामा। इसलिए आपको गामा को लेना है। अभी इसका देखिए 50 पॉइंट बढ़ने से उसका डेल्टा कितना हो गया, 0.60 हो गया। तो ये जो 2 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा, तो ये बेसिकली क्या है, जब ये 10 रुपया बढ़ा तो डेल्टा में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब 20-25 रुपया बढ़ा होगा तो थोड़ा सा डेल्टा बढ़ गया होगा। इसलिए जो 50 रुपया बढ़ा तो वो टोटल आपने उसको कैलकुलेट किया था 50.50 से कि 25 रुपए बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ने पे चूंकि डेल्टा भी थोड़ा सा बढ़ गया तो 27-28 रुपया मार्केट में उसका प्रीमियम चेंज हो गया। क्लियर? अभी देखते हैं सर, इसको 100 रुपया करते हैं, देखें क्या होता है। 100 रुपए करते हैं तो 5 रुपए के हिसाब से 50 रुपए बढ़ना चाहिए, 900 था ना, 16,000 करते हैं इसको। ₹137.91 ₹74.24 माइनस ₹134.91 ₹50 बढ़ना था, देखो 60 रुपया 67 पैसे बढ़ा, क्योंकि क्या उसका देखिए डेल्टा 0.70 हो गया। मोहित अपना माइक को म्यूट करना, जरा ये आवाज आ रही है। हाँ, अगर आप बोल रहे हो तभी उसको अनम्यूट रखो, और नहीं बोल रहे हैं तो फिर उसको म्यूट कर दो। ठीक है, तो अपना अब अपना डेल्टा कितना चेंज होगा, यहाँ नीचे गामा देखिए कितना है, गामा कितना है 1.89। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी जब 10 पॉइंट बढ़ेगी तो गामा जो है वो 1.89 से चेंज होगा, यानी कि अब अपने देखते हैं। ओके, 15,900 डेल्टा कितना है, 50.23। अब गामा कितना है, 2.21, तो यानी 10 पॉइंट बढ़ने से अपना डेल्टा कितना चेंज होगा, 50.52 और 52.41 कुछ ही होगा। आप देखते हैं ऐसा होता है क्या, ये देखो 52.38 हुआ, हेलो हुआ ना। इसका गामा का रिलेशन क्या था वो सबको समझ में आ गया? गामा क्या है, गामा ये बताता है कि डेल्टा कितना चेंज होएगा अंडरलाइन बढ़ने से। ठीक है, एक झटके में नहीं आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। दूसरा, इसका ऑप्शन प्राइस बढ़ने का फैक्टर क्या होता है, दो चीजें ऑप्शन प्राइस को इफेक्ट करती हैं। पहला डायरेक्शन, तेजी मंदी जिसको कहते हैं ना, अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन के लिए क्या दो चीजें जिम्मेदार रहती हैं, डेल्टा एंड गामा। ये अप एंड डाउन के मूवमेंट से ऑप्शन के प्राइसेस में चेंज होता है, और कितना चेंज होगा आपको ये डेल्टा और गामा से निकाल के पता लग जाएगा। और जो दूसरा फैक्टर होता है जो ऑप्शन प्राइस को इफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड वेगा। ठीक है, अभी वेगा, वेगा कितना है इसका, 7.41। वेगा अपने को क्या बताता है, मैंने अभी बताया था कि वेगा टेल्स दैट चेंज इन ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज इन एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी। ठीक है, एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी चेंज होने से ऑप्शन प्राइस में क्या चेंज आता है। ए इधर बैठो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं तुमको दो। ठीक है, तो अभी अपने शुरू से चलते हैं कि डेल्टा अपने को क्या बताता है कि ऑप्शन प्राइस चेंज कितना होगा अंडरलाइन चेंज होने से। 15,900 पे देखिए इसका डेल्टा कितना था, 50.23।
तो अपने जब 1550 थे, इसका मतलब क्या है कि अगर निफ्टी जो है वो 10 पॉइंट बढ़ेगी तो ये 5 रुपए ऑप्शन चेंज होगा। अब इसको बढ़ा के देखते हैं, अभी इसका रेट कितना है, 74 रुपए 24 पैसे। अब इसको 15910 किया तो देखने 5 रुपए बढ़ता है क्या, ये देखिए 79.37 हो गया, तो 5 रुपया बढ़ गया रेट इसका। और गामा, गामा अपने को क्या बताता है कि डेल्टा में कितना चेंज आ जाएगा। तो देखिए जब 15900 था तो डेल्टा कितना था, 50 23, और गामा कितना है, 2.21, यानी 10 रुपए बढ़ने से ये डेल्टा 52.21 हो जाएगा। देखें होता है क्या, 15910 किया, ये देखो गामा चेंज हो गया। ठीक है, अब अगला 10 रुपए बढ़ेगा तो कितना रेट चेंज होएगा, 5 रुपए 23 पैसे। देखते हैं होता है क्या, 15920, देखिए 84 रुपए 71 पैसे, और गामा कितना था, 2.21, तो देखो डेल्टा 54.51 हो गया। अगला जो इफेक्ट करता है वो प्राइस को क्या इफेक्ट करता है, वेगा। वेगा क्या होता है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज इन इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी। अभी इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी कितनी है, 10, यहाँ पे ये देखिए रियलाइज्ड आई भी 10 रुपये दिख रही है। अब अपने यहाँ पे अंडरलाइन का रेट नहीं चेंज करते हैं, अपने सिर्फ आईवी चेंज करते हैं, आईवी को 10 से 11 करते हैं। जब ये 11 करेंगे तो इसका वेगा कितना है, 7.42, यानी कि इसका जो रेट है वो क्या हो जाना चाहिए, बढ़ाने में 74.24 प्लस 7.42, 81 रुपए 66 पैसे। देखें होता है क्या, ये देखिए 81 रुपए 66 पैसे हुआ। हेलो, हाँ सर राज, बिल्कुल बिल्कुल सर, बाकी सब लोगों को समझ में आ गया। मम्मी सचिन समझ में आया कैसे हुआ? आ रहा है सर, फिर भी एक उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं, तो करनी ही आप अपने पड़ेगी। नोट नोट्स बनाते चलो साथ साथ, अगर कोई भी हाँ प्रॉब्लम हो रही है तो अभी पूछ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं दो नहीं दस पॉइंट बाद में एनालिसिस करके भी पूछ सकते हो, ये इसमें कुछ मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाद में आप पूछ नहीं सकते, बाद में भी पूछ सकते हो, क्योंकि क्या है कि ये फर्स्ट स्ट्रोक में नहीं आता है, बस इसको एक टाइम पे शुरू में तो रटना ही पड़ता है, फिर धीरे धीरे जब ये सौदा करते हैं ना तभी क्लियर होता है। चलो खैर, अब आगे चलते हैं अपने। अब अपने क्या करते हैं कि एक पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, पोजीशन को जीरो कर दिया, देखिए जीरो हो गया सब। अब अपने एक पोजीशन बनाते हैं, पोजीशन जो सबसे फेमस, जो सबसे फेमस स्ट्रेटजी होती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंगल। लोग स्ट्रेंगल बहुत बेचते हैं, व्हाट इज स्ट्रेंगल, निफ्टी का रेट चल रहा है 1500 तो 1500 का पुट बेच देंगे और 16000 की कॉल बेच देते हैं। चलो अपने यही करते हैं, है ना। अपने ने क्या किया कि पंद्रह 800 का अपने ने पुट सेल कर दिया, ठीक है, एंड 16000 का कॉल सेल कर दिया। अब देखो ये एक स्ट्रैंगल बेच दिया। अब इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने क्लाइंटों को ये ट्रेंड करेंगे कि
कि भैया आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो, आप पहले ये सॉफ्टवेयर खरीदो, ये सिर्फ 500 रुपए महीने के सब्सक्रिप्शन में मिलता है। इस सॉफ्टवेयर में पहले जो भी आप सौदा करना जा रहे हो, पहले इसमें उसको डाल के और उसके प्रॉफिट लॉस उसको सिमुलेट करो। व्हाट इज सिमुलेशन? कि जो कंडीशन रियल मार्केट में होती है उसको यहाँ पे करके देखो कि आपकी पोजीशन में क्या फर्क पड़ता है और आप उसको कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि ऑप्शन में मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आता तो फिर कुछ नहीं आता, तो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये पोजीशन माना हमने बिठा दी, अब देखिए इसमें क्या हुआ। इसमें नीचे आपको इसके ग्रीक्स मिल रहे हैं, यानी इस पोजीशन में अपने को क्या है, आपका गामा कितना शॉर्ट है, 3.25, ये गामा शॉर्ट है। गामा शॉर्ट का क्या मतलब है कि बाजार अगर 100 पॉइंट, मतलब वो गामा अपने क्या बताता है, डेल्टा, तो यहाँ पे डेल्टा कितना आ रहा है, -73, यानी इस पोजीशन में -73 का डेल्टा आउट है, यानी अपने को मोटा मोटी एक निफ्टी बेचनी चाहिए। तो हम एक निफ्टी बेचने की बजाय हम इसके डेल्टा न्यूट्रल करने को क्या करेंगे कि चलो अभी एक निफ्टी बेच लेते हैं। ये 50 शेयर की लॉट है ना, हमने एक बेच दिया, जैसे बेच दिया देखिए -73 आ रहा, तो कितना बचा, -23, डेल्टा आपका न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब इसमें इसके ग्रीफ को देखिए, आपका वेगा कितना है, 14,138, आपका थीटा कितना है, 19,734। इसका मतलब क्या है कि इस पोजीशन पे अगर आईवी जो है वो 1% घटेगी तो आपको, अभी आईवी आपने जो बेचा तो कितनी बेचा, फॉल की आईवी, की आईवी 16.44 थी, यानी 26.44 पे बेचा है, तो अगर ये 26.44 वाली 25.44 हुई तो आपको 14,000 रुपए का प्रॉफिट, और अगर ये क्या नाम 1% बढ़ गई तो आपको इतने का लॉस होएगा। ठीक है, तो अब अपने ट्रेड करते समय क्या देखेंगे, जैसे अभी तो ऐसे आदमी क्या करता है, क्लाइंट अपना, कि जब भी मर्जी आती उठा के बेच देता है, लेकिन नहीं, उसको जब भी स्ट्रैंगल बेचना है तो उसको इस बात का पता। पंकज अपना माइक ऑफ कर लो। बुलबुल मैम, बुलबुल मैम, पंकज, हेलो पंकज पारा सर, हेलो कुशल, कुशल कुशल, आवाज आ रही है, हेलो, अरे कुशल, हेलो कुशल, फोन कर दो उसको, फोन कर दो एक मिनट, अरे कुशल, हेलो, अरे कोई आवाज सुनना है या नहीं सुनना है इनमें से? हाँ सर, हाँ सर, बोलिए बोलिए बोलिए, कौन? शुभम बोल रहा हूँ, शुभम। अरे ये इसका पंकज का माइक ऑफ कराओ, अरे इधर ध्यान ही नहीं है किसी का। वो क्या है ना, 25,000 रुपए फीस नहीं दी ना, इसलिए ध्यान नहीं है। ये चीज 25,000 रुपए फीस लगती है और एकदम कहानी की तरह सुनाया जाता है। अरे शुभम, ये माइक ऑफ करो सर, जाने अपने भाई, तुम यार माइक ऑफ करो अपना यार, इतनी देर से बोल रहे हो तुम लोग, तुम्हें इतनी देर से बुला रहे हैं, सुन ही नहीं रहे तुम यार, म्यूट करो। ठीक है सर, कंटिन्यू नहीं करें आप। जिसका माइक ऑफ था ना, जिसका माइक ऑन था, क्या नाम है उनका, पंकज,
उसका माइक ऑन करो। पंकज माइक ऑन करना। हाँ सर बताइए। पंकज जी सर अभी बताओ कि ये जो गामा शॉट है इसमें कितना गामा शॉट है जो आपको स्क्रीन दिख रही है? सर अभी मेरी सब न्यूज़ जॉइनिंग है सर, अभी मैं सर अभी मैंने अभी डाउनलोड अभी अप किया है मैंने इसको। यार तुम इतनी देर से सुन क्या रहे हो फिर? नहीं सर न्यूज़ जॉइनिंग से क्या मतलब है, तुम इतनी देर से सुन रहे हो ना? जी सर। फिर क्या सुन रहे हो तुम? ध्यान से, ध्यान किसी का है नहीं है। ठीक है सर मैं देखूंगा। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई सिखाता नहीं है। ठीक है सर ठीक है, है ना? ओके सर ओके। कोई स्टोरी थोड़ी सुना रहे हैं, चलो आगे चलते हैं। तो इसमें अपने जो है वो गामा अपना 3.25 शॉट है, तो बेसिकली गामा अपने को क्या बता रहा है कि मेरा मार्केट में रिस्क फैक्टर कितना है। ठीक है ना, जब भी अपने बहुत बड़ी पोजीशन ले लेते हैं, बहुत जब भी आप बहुत कॉम्प्लेक्स पोजीशन ले लोगे तो क्या होगा कि सिर्फ गामा एक ऐसी चीज है जो आपके मार्केट के रिस्क मैनेजमेंट को बताएगी। और यहाँ पे ये वेगा क्या बता रहा है कि 14,138 रुपए माइनस है। माइनस का मतलब ये है कि इम्प्लॉय आईवी घटेगी, इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी घटेगी, तो आपको इतना प्रॉफिट होएगा, और अगर कहीं बढ़ गई तो इतना नुकसान होगा। अब क्या है कि क्लाइंट अपना जब सौदा बेच रहा है तो उसको इस चीज को अपने को समझाना है कि भाई जब आपके पास आईवी का डेटा होना चाहिए, और जब आईवी बढ़ी हुई हो ना तब आप ये स्ट्रेंगल बेचिएगा, बेचेंगे अगर तो आपको जल्दी मुनाफा होगा या मुनाफा होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो थीटा वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 19,734। तो इसका मतलब क्या है कि एक दिन जब बदलेगा तो अपना जो है वो थीटा जो है वो कितना मिलेगा अपने को, टाइम वैल्यू कितनी मिलेगी, ये यहाँ पे बता रहा है। अब होता क्या है रियल में क्या होता है कि क्लाइंट ने ये पोजीशन ले ली, अब अपने देखो मार्केट को थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई। मार्केट में दो ही चीज होंगी, या तो मार्केट घटेगा बढ़ेगा, और या आईवी घटेगी बढ़ेगी, चौथी चीज तीसरी चीज तो कोई मार्केट में होती नहीं है। तो ये दोनों चीजें अपने करके ये देखते हैं कि मार्केट में अपने को क्या प्रॉफिट लॉस होता है। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज देखो क्या है इस सॉफ्टवेयर में, यहाँ आप रिपोर्ट में जाके सिमुलेशन रिपोर्ट देख सकते हैं। ये देखिए ये सिमुलेशन रिपोर्ट आपको क्या दिखा रही है कि आज अगर मार्केट इस रेंज में रहा, यानी 15,800 से और 16,000 के बीच में रहा, तो आपको इतना प्रॉफिट होएगा शाम तक। पर अगर मार्केट शाम को इससे नीचे, मतलब अगर कहीं इधर नीचे की तरफ इधर और ऊपर की तरफ इधर गया, तो क्या मार्केट के रेट होने पर हर 50 रुपए पे वो प्रॉफिट लॉस आपको दिखा रहा है। तो क्या है, आपने पोजीशन ले ली, लेने से पहले इसमें डाल के देख लिया कि मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा, तो मेरे को क्या प्रॉफिट लॉस होना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें पोजीशन लेना है। अगले यहाँ पे अगर जो एक्सपायरी बैलेंस ये क्या दिखा रहा है कि अगर ये पोजीशन आप एक्सपायरी में जाने देंगे, ठीक है ना, एक्सपायर होने देंगे, तब क्या होगा, तब आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कहाँ पे होगा, 15,950 पे होगा। उसके बाद नीचे आपको 15,700 तक ये प्रॉफिट होएगा, और ऊपर 16,050 तक ये प्रॉफिट होएगा। उसके ऊपर नीचे अगर मार्केट गया तो आपको लॉस होएगा, और कितना लॉस होएगा ये हर मार्केट रेट पे ये आपको दिखा रहा है। अब आप देखिए ये रिपोर्ट कितनी बढ़िया है, इस रिपोर्ट को देखने से आपको बिल्कुल ये क्लियर कट मालूम हो जाएगा कि मेरी पोजिशन लेने के बाद मार्केट में क्या होगा, तो मेरे को क्या घाटा नफा होने वाला है। तो अपने जो स्टॉप लॉस लगाना है या माना उस ट्रेड से एग्जिट होना है, ये होना, ये कितना आसान हो गया आपके, बिल्कुल क्लियर हो गया दिमाग में कि भैया अगर माना सपोज कीजिए 15,800 हुआ तो आपको 18,000 रुपए मिल रहे हैं। अब आपको मालूम है कि अगर कहीं बाजार जो है ना 15,750 हो गया तो 18 तो चले भी जाएंगे और 2,300 और भी घर से जाएंगे,
तो जैसे ही उसने 15800 से नीचे का घर मारना शुरू किया, 15800 से 15750 से झटके में तो होगा नहीं, 15800 से पहले 15790 होगा, 95 होगा, 98 होगा, आपने भैया 15795 से नीचे ही मेरे को अपने सौदे से एग्जिट हो जाना है। जैसे ही निफ्टी 15795 हुई वैसे ही जो है वो आपने एग्जिट कर लिया अपने ट्रेड से, तो आपको 18000 मिल रहे थे तो 18 के मतलब 17 मिले 15 मिले और आप एग्जिट हो गए, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट तो 15900 पे ही मिलना है और बाजार वहां से नीचे गिर चुका है, तो ये रिपोर्ट आपको बहुत हेल्प करेगी। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को मार्केट को ऊपर नीचे करके भी देख सकते हैं। अब देखते हैं अपनी, जैसे माना ये पोजीशन में निफ्टी जो है वो घट जाती है 50 पॉइंट, तो अपने इसको चेंज करते हैं, 15850 किया, अब ये देखिए यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है, -12781, ठीक है। अब अगर हम बाजार को घटाएंगे तो देखें क्या हो रहा है, 15850 ये बैलेंस घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखिए 5000 रुपए का घाटा बढ़ गया है, यानी आपकी बाजार में पोजीशन माइनस की है और बाजार नीचे की तरफ जा रहा है, तो कह रहा है निफ्टी बेचने को, 180 निफ्टी बेचने को बोल रहा है और 180 निफ्टी 50 रुपए नीचे भी करेगी, इसलिए आपको इतना लॉस हो रहा है। अब अगर बाजार बढ़ा के देखते हैं तो क्या होता है, 15950 देखते हैं तो क्या होता है, ये देखिए ये अभी भी 3000 रुपए बढ़ रहा है, तो यानी कि क्या है कि बाजार अगर ऊपर नीचे 50 पॉइंट से घटेगा बढ़ेगा तो अपने को थोड़ा बहुत नुकसान ही होगा, लेकिन हमने वेगा ट्रेड कर रखा है तो अपने आईवी घटा के देखते हैं क्या होता है। अब मैंने ये 16 वाली आईवी को कर दिया 14 और ये 10 वाली को कर दिया 8, देखो हमको यहाँ प्रॉफिट आने लगा अपना 15000 रुपए, माइनस बारह हजार था और यहाँ भी प्लस 15730 आया, तो 12000 वो मिले और 15000 ये मिले, ठीक है। क्यों मिले, क्योंकि अपना वेगा जो है ना वो 15000 रुपया था, ओ सॉरी 14000 रुपया था, तो 2% आईवी कम कर ली तो 14×2 = 28000 मिल गए, तो इसलिए अपना -12000 वाला बैलेंस +15000 हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका गामा शॉर्ट है और मार्केट में मूवमेंट आ गया तो आपको लॉस होएगा, तो आपको गामा शॉर्ट करना, गामा शॉर्ट करने का मतलब क्या है कि आपने जड़ में ऑप्शन सेल कर रखे हैं, ठीक है। तो जड़ में जब ऑप्शन आपने सेल कर रखे हैं तो अगर मूवमेंट आएगा तो आपको लॉस होएगा, तो अपने को गामा शॉर्ट कभी करना है जब मार्केट में आपको न्यूट्रल या न्यूट्रल प्लस बुलिश ये दो मूवमेंट जब आपको महसूस हो, क्लाइंट को महसूस हो कि बाजार जो है वो ज्यादा घटेगा बढ़ेगा नहीं, यही पड़े रहेगा 10-20 रुपए ऊपर नीचे, तब वो ऑप्शन बेच के अगर काम करेगा तो उसको प्रॉफिट होएगा। कभी भी मार्केट में जब मंदी का दौर चल रहा हो तो ऑप्शन सेल करके कभी नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बढ़ती है जब मार्केट गिरता है तो। और क्यों बढ़ती है, क्योंकि क्या है कि मार्केट गिरता है तो जिन लोगों ने ज्यादातर मासेस में लोग लॉन्ग करके काम करते हैं तो वो लोग अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शन को महंगी दरों पे खरीदने लगते हैं, पुट्स को महंगी दरों पे खरीदने लगते हैं, इसलिए एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बढ़ने लगती है। तो जब मार्केट बेयरिश मोड में होता है तो एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बढ़ती, तो कभी भी जब मार्केट में मंदी का सिनेरियो लग रहा हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस में कोई मंदी का सिनेरियो लग रहा है, तो कभी भी ऑप्शन सेल करके काम नहीं करना है। तो ये अपने को क्लाइंट को बताना है कि सर जब मंदी लग रही हो या जब मंदी चल रही हो तो ऐसा नहीं कि आपने उठा के स्ट्रेंगल बेच दिया, स्ट्रेडल बेच दिया या कुछ भी ऐसा बेच दिया जिसमें जड़ में ऑप्शन बेचा हो, ठीक है ना, तो ये गलत है। तो एक तो अपने ये स्ट्रेटजी करते हैं। अब देखिए इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे करते हैं वो आपको दिखाता हूं।
ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो पोजीशन डाल रही है उसको रेट टू रेट एस्पायर अप कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब अपने एक पोजीशन लेते हैं, सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने कहा कि अगर पुट लोग मार्केट जब नीचे जा रहा होगा, पुट लोग अगर ज्यादा बाय करेंगे तो आईवी बढ़ने लगेगी, तो इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि पुट में अगर डिमांड, इसमें पुट में डिमांड सप्लाई का गेम चलता है कि अगर पुट में बहुत ज्यादा लोग खरीदने लगेंगे, भले ही मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जा रहा हो, तभी आईवी बढ़ने लगेगी। हाँ, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा महसूस होएगा मार्केट में कि मार्केट बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ है लेकिन आईवी बढ़ रही है। हाँ, तो वैसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि आप तो, हम लोग तो बेसिकली गाँव में बैठे हैं ना, लेकिन जो शहर के लोग हैं, शहर का लोग का मतलब क्या हुआ, जो बड़े FFIs, DAIs, म्यूचुअल फंड्स, ये सब है, इनर सर्किल को इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन है कि कोई डेटा आने वाला है, कोई न्यूज आने वाली है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, एनीथिंग, एन नंबर ऑफ, दैट्स कॉल्ड एक्स फैक्टर, है ना। तो मार्केट दो तरीके से चलता है, मार्केट को ऑपरेट दो फैक्टर करते हैं, एक फंडामेंटल फैक्टर होता है, एक एक्स फैक्टर होता है। फंडामेंटल फैक्टर क्या होता है कि जिसमें कंपनी की परफॉर्मेंस, रिजल्ट, EPS, कितना उसने प्रॉफिट कमाया, बिजनेस सिनेरियो कैसा है, कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, दीज आर द फंडामेंटल फैक्टर्स। एंड नेक्स्ट फैक्टर क्या है, इजराइल ने हमला कर दिया फिलिस्पीन पे, पाकिस्तान इंडिया की वॉर छिड़ गई, कोरोना फैल गया, है ना, मोदी जी की तबीयत खराब हो गई, ट्रंप को ऊपर किसी ने हमला कर दिया, तो दीज कॉल्ड एक्स फैक्टर, है ना, जो पहले से कहीं प्रिडिक्ट नहीं है, पर इनका स्टॉक मार्केट में बहुत गंभीर असर पड़ता है और ज्यादातर मंदी के लिए पड़ता है। तो माना कोई एक्स फैक्टर ऐसा डेवलप हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आज से 10-12 साल पहले की बात है, जब चिदंबरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो स्टेडी मार्केट में इम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी जो 15 चलती थी वो 25 हो गई, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं था, बिल्कुल 10 रुपए का मूवमेंट नहीं था, लेकिन इम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी इतनी बढ़ गई, तो हम लोगों ने जो पोजीशन का बना रखी थी वो सब काट ली थी। क्योंकि क्या है कि कोई मूवमेंट है, आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, लेकिन आ सकता है। और अगले दिन चिदंबरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिया था सवेरे मार्केट खुलने से पहले कि इंडिया में पार्टिसिपेशन नोट जो है वो बैन कर दिए जा सकते हैं, और करे जा सकते वर्ड जो है वो इतने धीरे से बोला था कि वो सुनाई नहीं दिया था, तो उसका मार्केट में एकदम से ये पैनिक रिएक्शन हुआ कि इंडिया में पार्टिसिपेशन नोट बैन कर दिए गए। पार्टिसिपेशन नोट क्या था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट ने एक छूट दी हुई थी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इंडिया में स्टॉक मार्केट में अपना फंड लगा सकते हैं, उनसे फंड का सोर्स नहीं पूछा जाएगा, और वो जिस रिसिप्ट के साथ में वो फंड लगाते थे उस रिसिप्ट को पार्टिसिपेशन नोट बोलते थे। तो वो ताकि इंडिया ने बैन कर दिया, बैन करने का मतलब है कि अब फॉरेन इन्वेस्टर फंड नहीं लगा सकते, तो फंड नहीं लगा सकते तो मार्केट में जो बुलिश फेज चल रहा था वो एकदम से वाइप आउट आ गया, निफ्टी में सर्किट लग गया, इतना तेज मंदी आई। और फिर जो है वो दोपहर को 1 बजे दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लेरिफिकेशन दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन नोट बंद कर सकती है, मीडिया ने इसको मिस इंटरप्रिटेट किया और इसलिए ये मंदी है, ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई पार्टिसिपेशन नोट बंद नहीं करने जा रहे हैं। ये बयान आते ही निफ्टी जो 700 पॉइंट घटी हुई थी वो वापस 200 पॉइंट तेज हो गई, आप समझ लीजिए 1000 पॉइंट बढ़ गई नीचे से, तो इतना भयंकर मूवमेंट आया। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बढ़ रही थी, वो सर्किल जिसको की इनर सर्किल जिसको की इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा बयान सुबह आने वाला है, वो अपनी पोजिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए महंगे ऑप्शन खरीद रहा था। तो मंदी आने पे क्या होता है कि आदमी अपनी पोजीशन को, क्योंकि ज्यादातर मासेस में लॉन्ग पोजीशन रहती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए महंगे ऑप्शन खरीदने लगता है, इसलिए आईवी बढ़ती है। ठीक है, ओके सर, समझ गया।
वो एक ये पोजीशन ली है, मैंने क्या किया है 15,300 का कॉल बाई किया है और 15,600-15,500 का कॉल सेल किया है और वो एक एक के अगेंस्ट में 4 टाइम किया है, ठीक है ना, 1,000 के अगेंस्ट में 4,000 बेचे हैं। अब यहाँ पे नीचे ग्रीक देखो क्या आ रहा है, अपना वेगा जो है वो 830 पॉइंट का आ रहा है लॉन्ग, अपना एक मिनट रुकिएगा। अरे मोहित तिवारी ये इस माइक ऑफ करो, मोहित ठीक है सर चालू करें अभी इसमें। मोहित जी सीरियसली में नहीं है, हेलो बोलो, हेलो हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसमें देखें राज, हाँ सर अगली ट्रेनिंग में क्या करना है कि जितने लोग हैं ना उन सबको ऑफिस बुलाओ और एक हॉल में बिठाओ। ये सब बैठे तो एक ही जगह हुए हैं पर मुझे लग रहा है कि कोई ललित जी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं आई, मैं कॉल पे ही बोल रहा हूँ। अभी ये जैसे इसमें देखो ये गामा कितना शॉर्ट है, देखिए हमने 4,000 शेयर बेचे हैं ऑप्शन पर, गामा कितना शॉर्ट है मात्र 0.21। अब इसका असर देखते हैं अपने क्या होता है कि हमारा बैलेंस कितना रहा 2,749 रुपए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है बाजार घटने पे, देखिए बाजार घटने पे फंड प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अब अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि साहब वो जो आप करते हैं ना वो कॉल पुट दोनों बेच देते हैं, उसमें मूवमेंट आ जाएगा बड़े पैसे लग जाएंगे, आपको जड़ में ऑप्शन बेचने पर ऐसे बेचिए। इस स्ट्रेटजी की क्या खूबसूरती है कि आपका वेगा माइनस है लेकिन गामा कम शॉर्ट है, और वो गामा कम क्यों शॉर्ट है क्योंकि मैंने ये 1,050 जो है वो बाई कर रखा है। तो अब ये रियल में होगा क्या, देखो अगर सपोज करो निफ्टी 16,300 हो जाती है क्या होता है, यहां पे माइनस दिख रहा है लेकिन ये रियल में ऐसा नहीं होएगा, इसको जीरो करो, यानी एक्सपायर हो रहा है तो 3900 मिलना है। अभी हम इसको बढ़ाता हूं 16,400 हो जाती है, अब देखिएगा कितना प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है 1,61,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 2,12,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अब यहां पे क्या है, इसको आप सिमुलेट करके देखते हैं, ये देखिए ये 499 पे देखो ये आ रहा है 2,12,000 का, यानी डाउन साइड आपका इतना प्रॉफिट है इतना भी नीचे चला जाए मार्केट, और अप साइड आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे है 16,499 पे, उसके बाद अगर मार्केट तेज हुआ तो आपको लॉस आना शुरू होगा, तो अपने तो उससे पहले ही काट लेंगे ना कहीं 55,000 या उससे पे। तो अब ये स्ट्रेटजी की क्या अपनी है, अपने ने स्ट्रेटजी बनाया कि कब था जब भाव जो था 15,950 का, ठीक है। अब ये डे 5 रख रहे हैं, 15,950 से बनाया था अपने ने। अब अपने को क्या है कि मार्केट घटेगा तो मेरे को ये 3900 रुपया तो मिलेंगे जो मैंने मार्जिन लगाया हुआ है ना उसका ब्याज मेरे को मिल जाएगा, लेकिन अगर मार्केट तेज हो गया, अब मार्केट तेज होएगा तो ऐसा तो है नहीं कि 950 से सीधा 16,600 खुलेगा, है ना, 950 से पहले
क्योंकि ये स्ट्रेटजी में हम लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता था कि वो सर वो बाजार अगर 16-600 खुल गया तो क्या होगा, तो उसको हमारे जो टीचर है वो समझाते थे कि भाई आप यहाँ से कानपुर से अगर इलाहाबाद जा रहे हैं तो बीच में फतेहपुर तो पड़ेगा ना, कूद के तो इलाहाबाद चले नहीं जाएंगे, तो जब फतेहपुर पड़ेगा उस समय मैक्सिमम प्रॉफिट आर होगा, अपने पोजीशन से निकल जाएंगे। यानी कि जब बाजार तेज होएगा तो क्या है, जब वो 16,000 की तरफ चलेगा तो आपको क्या है आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब आपको और आपको ये मालूम है कि इसमें मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है, तो उसके नियर अबाउट जहाँ पड़े तो अपने पोजीशन को काट लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी में क्या है, ये दिस इज मच मच सेफर कंपेयर्ड टू द अर्लियर वन। पहले वाले में क्या था, बाजार में जरा से भी मूवमेंट 50 पॉइंट का खासतौर से कहीं नीचे का गया ना, बड़े पैसे लग जाते हैं, फिर तो काटना ही पड़ता है। और जिसने नहीं काटा वो फिर वही उसका आखिरी ट्रेड होता है, क्योंकि उसमें इतना घाटा कर लेता फिर कहता है अरे यार ये तो बेकार काम है, बड़े पैसे लग जाते हैं, किसी का मतलब क्या नहीं है, सब शेयर बाजार वाले चूतिया बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, ये वो, बंद करो ये काम, अपना जाके दुकान पर वापस बैठ जाता है और आपकी ब्रोकरेज का नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो अपने को क्लाइंट को ये ट्रेंड करना है, उसको रिस्क मैनेजमेंट सिखाना है कि आपको ऑप्शन सेल करने हैं, लेकिन ऐसे कम्बिनेशन में सेल करने हैं कि मार्केट के डायरेक्शन मूवमेंट से आपको लॉस नहीं हो। तो जो आपको जड़ में वेगा, अपने वेगा ट्रेड कर रहे हैं ना, वेगा और थीटा का ट्रेड कर रहे हैं, वो वेगा और थीटा का ट्रेड आपको मिल जाए। तो ये स्ट्रेटजी, इसको इट्स कॉल्ड रेशियो स्प्रेड, ठीक है ना। अभी जो पहले अपने ने बेचा था, बोला था वो क्या था, वो स्ट्रेंगल था। और एक दूसरा मैं सर इसमें एक क्वेश्चन था सर, इसमें डाउनसाइड में लॉस क्यों नहीं आ रहा था अपने को? नहीं, डाउनसाइड में इसलिए नहीं लॉस आ रहा था क्योंकि अपने कॉल बाई है 16,300 का और 16,500 का सेल है अब। पर ये क्या है, ये 1,000 के आगे 4,000 सेल है। तो आप इसको ऐसे देखिए, 2.35 रुपए में सेल है ना, तो 2.35 रुपए इंटू 4, 9.40 रुपए में हमने बेचा हुआ है और 5.65 रुपए में हमने खरीदा हुआ है, तो 3.75 रुपए हमको मिल रहे हैं इंटू 1,050, 3,937 रुपए मिल रहे हैं। तो इतने तो मेरे मिलेंगे मिलेंगे बाजार घटने में, क्योंकि क्या है, जब बाजार घटेगा तो क्या है कि 16,300 भी जीरो हो जाएगा और 16,500 भी जीरो हो जाएगा। तो हमको जो 16,500 हो गए 2.35 रुपए इंटू 4,200, इसमें 9,870 रुपए मिलेंगे और 5.65 रुपए इंटू 1,050, इसमें 5,932 लगेंगे, तो बाकी हमें मिल जाएंगे। ठीक है सर, समझ गए। दोनों जीरो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, दोनों जीरो हो जाएंगे। बाजार जब नीचे चला जाएगा तो दोनों का रेट घटते घटते 5-10 पैसे रह जाता है ना। तो वो आपने एक अगेंस्ट में 4 बेच रखे हैं, इसलिए आपको प्रॉफिट हो रहा है। और बाजार जब तेज हो रहा है तो प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या है कि आपने जो स्ट्राइक खरीद रखी है, अब देखिए बाजार इसको तेज करते हैं अपने 16,350 यहाँ डेज एक करते हैं, क्योंकि यहाँ फिर भी डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, 54,000 रुपए क्यों हो रहा है। अब ये बहुत बढ़िया चीज है, ये देखिएगा, क्योंकि जो आपने बाई कर रखा है 5.60 रुपए में, उसका रेट क्या हो गया है, 60 रुपए, राइट। और जो बेच रखा है 2.35 रुपए में, उसका रेट क्या है, 3.04 रुपए। तो जो बाई कर रखा है वो ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों ज्यादा बढ़ गया, उसका डेल्टा कितना है, उसका डेल्टा देखो 0.75 हो गया। जब भी पोजीशन अपने ने बनाई थी, अभी वापस आते हैं, जब अपने ने पोजीशन बनाई थी तो इसका डेल्टा कितना था, 0.01, और इसका डेल्टा कितना था, 0.20 के बाद था। तो यानी इसका डेल्टा बिल्कुल ही निग्लिजिबल था, लेकिन इसका डेल्टा था। तो जब बाजार तेज होना शुरू हुआ तो देखिए क्या हुआ, यहां पे सिर्फ डेल्टा पे ध्यान दीजिएगा, जो बाई वाला था उसका डेल्टा हो गया 0.75, और सेल वाले का कितना है, 0.001 था, तो 0.06 आया।
तो वो इतनी दूर का था कि उसका डेल्टा एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन जो बाई था उसका डेल्टा एक्टिव हो गया, इसलिए आपको यहाँ नीचे इतना बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है। तो दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन विच कॉल्ड गामा न्यूट्रल एंड वेगा माइनस, यानी जिसमें गामा आपका बहुत कम हो और आपको वेगा आपका और वेगा और थीटा माइनस हो, वो अपने को स्ट्रेटजी करनी है, जिससे कि अपने को इसमें मिलता भी कम है, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉफिट भी बड़ा लिमिटेड होता है लेकिन रिस्क भी बहुत कम होता है। तो लेकिन अपने क्या है कि जो फंड इन्वॉल्व करते हैं उस फंड का अपने को 12-15% का रिटर्न मिल जाता है, और विच इज वेरी गुड। अभी किसी के पास अगर माना कोई फंड है, उसको 5% FD करा दे और 15% यहाँ से निकाल ले, तो 20% का रिटर्न हो गया। आज के जमाने में कहाँ मिलता है 20%? 20% रिटर्न के लिए तो आप कोई बिजनेस कर लीजिए, कोई दुकान खोल लीजिए, कितना माल भरना पड़े, कितना उधार करना पड़े, कितना स्टाफ रखना पड़ेगा, कितना मतलब इट्स लॉट ऑफ हैसल्स, GST भरो, रिटर्न भरो, असेसमेंट कराओ, स्क्रूटनी कराओ, सब चीजें कर। यहाँ अपने घर में बैठे अपना कटर कटर कर रहे हैं और आपको पैसे आ रहे हैं, बस क्या है कि आपको ये सीखना पड़ेगा और इसका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सीखना पड़ेगा। सर इसमें इस पोजीशन में मार्जिन कितना लगा होगा? मार्जिन तो जो निफ्टी में मार्जिन लगता है सेल में, कॉल सेल में वही मार्जिन लगता है, पर अगर इसमें आपने बाई कर रखा है तो 1050 और बाई और 1050 सेल, उसमें मार्जिन जो है इसमें करीब 70,000 पर लॉट मार्जिन लगता है। गुड मॉर्निंग सर, कुशल बात कर रहा था। कुशल बताएं। सर मैं जैसे एक बस क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि 16-300 की कॉल और 16-500 की कॉल, अपन ये 16-300 की कॉल तो हमने बाई कर ली और 16-500 की कॉल हमने सेल कर ली, लेकिन ये पोजीशन हम बनाएंगे कब, कैसे, मतलब ये हम कौन से इंडेक्स पे, मतलब जैसे अभी मैं इंडेक्स की बात करूं तो 15,900 चल रही है इंडेक्स में निफ्टी, और हम अपना ट्रेड कर रहे हैं 16-300, 16-500 में, तो मतलब इतना अगर मूवमेंट, जैसे आपने अभी ये लगाया, अगर ये 5 रुपए की कॉल चल रही है 5.65 की, तो अगर ये 16-500, 16-300, 16-200 ऊपर के आई नहीं पा रही है निफ्टी, तो ये कॉल कैसे बढ़ जाएगी सर? नहीं नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो अपने ने बढ़ाया है जी, अपने ने जड़ में हम उसको इतनी प्रीमियम वैल्यू पे बनाते हैं कि जिसमें अपने को 12% का रिटर्न मिल जाए। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दूसरी शीट दिखाता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। राज हैं? हाँ सर। ये जो अपने ने तुम्हें मैंने वो एक्सेल वाला बताया है ना कि कौन सा ट्रेड करते हैं, वो इनको दिखा बताना तो ये समझ में आएगा इनको। मैं इनको एक वैसे एक चीज दिखा देता हूँ, शेयर करता हूँ। हेलो। हाँ क्या? नहीं, हाँ सर बताओ। हाँ राजी बताइए। हाँ बताओ इनको, वो जा तुमने शीट शेयर करी क्या? हाँ शीट शेयर की है, इसमें NA करके आ रहा है सर, डेटा तो आ नहीं रहा इसमें। मैं अपनी करता हूँ, छोड़ दो उसको। ठीक है सर। अच्छा वो बंद है ना, लॉग इन ले सकते हो। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर। अब इसमें क्या है कि ये स्क्रीन है जो ये बताती है, ये मैंने इनको राज को एक्सप्लेन किया है पिछले वीक में पूरा, उससे और डिटेल में समझ लीजिएगा। इसमें ये बताता है कि आप अपने को
कौन सा ट्रेड करना है, कौन से स्ट्राइक का ट्रेड करना है, ठीक है ना। इस शीट के पीछे एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन रहता है, वो कैलकुलेशन सब राज को मैंने शेयर कर रखा है, तो वो आप ये शीट जो है राज तुमको इन लोगों को जब बताओगे तो तुम्हारा भी रिवाइज हो जाएगा और इन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे से पूछ लेना। तो ये शीट बेसिकली आज क्योंकि मार्केट बंद है इसलिए इसमें डेटा नहीं आ रहा है, सब जीरो जीरो आ रहा है। अदरवाइज जब इसमें डेटा आ रहा होता तो आपको पता लग जाता है, इस शीट को देख के पता लग जाएगा कि अपने को कौन सा ट्रेड करना है। जैसे मैं आपको अपना एक ट्रेड दिखाता हूँ। जी सर, ये देखो ये मेरा ट्रेड है। मैंने क्या कर रखा है, 29 मैंने अगली एक्सपायरी वाले में काम कर रखा है। अब वो किस एक्सपायरी में काम करना है, किस स्ट्राइक पे काम करना है, कौन सी लेनी है, कौन सी बेचनी है, कौन सी कितनी लेनी है, उसके अगेंस्ट कितनी बेचनी है, उस सब का एक पूरा एल्गोरिथम होता है। वो अभी एक ट्रेनिंग में नहीं बताया जा सकता, लेकिन जैसे ये पोजिशन आप देखो तो ये पोजिशन में क्या है कि मैंने ये 400 बाई कर रखे हैं और ये सेल कर रखे हैं कितने, 16 एक के अगेंस्ट में 4, और ये मैंने 350 बाई कर रखे हैं, ये 1400 सेल कर रखे, 1400 कर रखे हैं, ठीक है। अब आप इसको देखिए, ये शीट ये देखिए पीली वाली, जिसको मैंने पीला किया ना, इसको देखिए, इसमें ये पोजीशन पड़ी हुई है। 400 मैंने 20 रुपए 7 पैसे में खरीदे, ये 8.40 में बेचा मैंने 4, तो ये मेरा कितना हुआ, 13.53 रुपए में बना। और ये मैंने 350 खरीदा, 6.44 में बेचा है, 4 गुना 4.67 में, तो मेरा 12.24 रुपए में बना है। अब मेरे को ये टोटल 9696 रुपए मिले हैं, इसमें हमें क्रेडिट मिला है, ठीक है। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने पूरा सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। 9696 रुपए मेरे को क्रेडिट मिले हैं। अब मेरे को क्या है, ये 9600 तो 96 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी बाजार का मैंने जब भी बनाया था तो बाजार क्या था, 15910 था, राइट। अब मेरे को ये 9696 रुपए मिलेंगे एट द एंड ऑफ डे एक्सपायरी पे, ठीक है। मैंने जो इसमें फंड यूटिलाइज किया है वो 20 लाख का है, तो 20 लाख के फंड पे मैंने 5 दिन की में 9696 रुपए का तो प्रॉफिट करना ही करना है। अब अगर मार्केट बाजार किसी तरफ भी ज्यादा मूव हो गया, यानी अगर ये कॉल की तरफ जो है निफ्टी 15900 चल रही, सपोज करो निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ता है, 300 पॉइंट बढ़ जाए, बढ़ सकती है। निफ्टी के लिए 200 पॉइंट बढ़ना क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है सर, है ना, एक दिन में बढ़ सकती। तो मेरा क्या है कि मेरे को पुट में तो ये 13 रुपया, यानी कि पुट में जो मेरा वैल्यू है वो 5412, ये तो मिलेंगे, और मेरे को कॉल में जो ये वैल्यू मिल रही है 2400 4284, ये बेसिकली 15000 20000 मिल जाएगी। क्योंकि क्या है कि मेरा जो ये 350 वाला है ना, 6.44 वाला, इसका रेट हो जाएगा 25 रुपए 30 रुपए, पर ये मैंने जो बेच रखा है इसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो 6 रुपया हो जाएगा, 6.5 होगा। इस पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट आएगा ही नहीं सर, उस पे 16700 वाली पर, क्योंकि 16700 बहुत दूर की, उसका डेल्टा बहुत दूर है, बिल्कुल। तो अब आप ये देखिए कि ये ट्रेड में मेरे को 9696 रुपए एक्सपायरी वाले दिन मिलेंगे, और बाजार अगर किसी साइड भी 300-400 पॉइंट मूव हो गया तो मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे। जाएंगे नहीं, जाएंगे कब, अगर निफ्टी जो है वो डाउन साइड 15000 के नीचे और अप साइड 16700 के ऊपर खुल गई, देन वी आर इन ट्रबल। नहीं तो वन वीक केवल ये स्ट्रेटजी ना, वन वीक के लिए रहेगी ना सर। हाँ, तो जो एक्सपायरी है 29 जुलाई की, तो एक्सपायरी हाँ, तो इतना मूवमेंट नहीं आएगा, मतलब रियर केस में आता है लेकिन इतना नहीं, वो उसका भी पूरा डेटा होता है।
वो इतना बड़ा जब मूवमेंट आ रहा होगा ना तो 7% की वाईवी पे नहीं आएगा, उतना बड़ा मूवमेंट आ रहा होगा वो आईवी होगी उस समय 40% की, तब ये नहीं करूंगा, तब दूसरा कुछ करूंगा। ठीक हेलो, हाँ जी ठीक सर। हाँ सर, सचिन वर्मा बात कर रहा था सिटी से। हाँ बताएं सर, अभी ये जो करंट एक्सपायरी जो हुई है, मैंने ना एक ना स्ट्रेटेजी बताया था सर ने, उस पर काम किया था कि एक 15,900 की कॉल में काम किया था, जिसके अंदर 15,000 क्या किया था, यहाँ पे डाल के देखते हैं अपने। हाँ एक सेकंड रुकिए, आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे सिमुलेशन में डाल के देखते हैं तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ था और क्या करना चाहिए। नमी, ये पानी बोतल। एक बताओ क्या किया था आपने सर। मैंने एक 15,900 वाली जो कॉल थी उसको बाइंग की थी 15 रुपए, 15 रुपए में करीबन 15,900 को। हेलो, हाँ एक सेकेंड, 15,900 की कॉल आपने बाई करी, बाई करी 15 रुपए में, कितनी इस क्वांटिटी एक ही लॉट में किया था सर, 15 रुपए में बाई करी। और अभी निफ्टी का भाव क्या था उस वक्त, निफ्टी का भाव 15,800 करीबन था। ठीक है तो इसको 15,800 कर देते हैं। और सर एक कॉल 15,800 वाली जो थी वो सेल की थी, वो मैंने 62 रुपए में सेल की थी उसको, मतलब क्लाइंट के। और 15,800 तो उसके बीच का जो डिफरेंस था 47 का, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आप सुनिए, आपने क्या किया कि आपने एटीएम का बेच के आउट ओटीएम ले लिया। हाँ ठीक है ना। हाँ जी हाँ। अब इसका सिमुलेशन देखिए क्या होगा। ये इसका सिमुलेशन, आपको मैक्सिमम 3525 रुपए मिलेंगे। कहां तक मिलेंगे, अगर एक्सपायरी जो है वो 15,800 से नीचे कहीं पे भी आती है तो, और 15,850 पे आपको ये लॉस होएगा एक्सपायरी पे, और उसके ऊपर आएगी तो आपको ये, यानी आपको मिलने में 3500 रुपया मैक्सिमम है, लगने में 3975 रुपया मैक्सिमम, करीबन 4,000 का लॉस ही लगा इसमें, 15,900 से ऊपर बंद हुई थी। हाँ वो लगेगा लॉस। तो अब इसको ये कैसे करना है, अब ये इसमें क्या गलती करी थी, इसमें ये गलती करी थी कि जो आपने उसका गैप है ना वो 100 पॉइंट का रखा था। अच्छा तो उसका गैपिंग कम रखना चाहिए था। अब इसको अगर यही सौदा आपको करना है, इसे करना है, मैं बताता हूँ।
अभी निफ्टी कितनी चल रही है? 949 रुपए चल रही है, ठीक है। अब अपने को इस स्ट्रेटजी में करने से पहले एक चीज ये देखनी है कि बाजार की रेंज प्रेडिक्ट करनी है कि बाजार की रेंज क्या है, हो सकती है। अब बाजार की रेंज इस टाइम का जो सिनेरियो है वो 15900 का चल रहा है भाव, तो ऊपर में निफ्टी जो है वो कम से कम 300-400 पॉइंट बढ़ सकती है जो बुलिश फेस चल रहा है, और 300-400 पॉइंट नीचे में घट सकती है। तब अब अपने को क्या करना है कि अब अपने को एक ऐसा कैंडोर बनाना है, इट्स कॉल्ड आयरन कैंडोर, ठीक है ना, या बॉक्स भी बोलते हैं। एक अपने को कैसा बनाना है, कॉल और आपने सिर्फ कॉल में बनाया था, कॉल और पुट दोनों में बनाना है। आपको क्या मालूम बाजार की दर जाएगी, ठीक है ना, कॉल और पुट दोनों में बनाना, क्या बनाना है। अभी 15900 है तो अपने क्या करेंगे, सॉरी मैं करा था, पंद्रह 700 का पुट बेचेंगे अपने 20 रुपए में, होगा शायद 6 रुपया, ये देखिए ये आपका है। अब इसका सिमुलेशन देखिए, ये आपकी रेंज है, नीचे में 15700 तक आपको ये प्रॉफिट होएगा और ऊपर में 15100 तक आपको ये प्रॉफिट होएगा। नीचे में उसके नीचे आपको इतना लॉस होएगा और इसके ऊपर आपको इतना लॉस होएगा, तो आपका रिस्क रिवार्ड कितना है, मिलने में 36,000 है, जाने में 15,000 है। ये दोनों एक ही लॉट में ही काम होगा दोनों, है ना? नहीं नहीं, मैंने एक एक हजार किए हैं, आप एक एक लॉट में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा, जो जितना बाई करोगे उतना ही सेल करोगे उसी हिसाब से, मतलब ये लॉस। हाँ, हाँ, लेकिन क्या है कि आपका रिवार्ड ज्यादा है, रिस्क वो कम है। और आपके गैप कितना बड़ा है देखो, ऊपर में 16150 और नीचे में 16650, बाजार इस रेंज में अगर घूम गया तीन चार दिन क्या, बेसिकली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आपको इतने पैसे 36,000 मिल जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है ना। और उस वाले केस में क्या था कि आपने बिल्कुल एटीएम का कर दिया था, और बाजार वहां से जरा सा भी मूव हो गया ना आपके अगेंस्ट, तो पूरे पैसे लग गए, तो वो सर एक्चुअल में थोड़ा बढ़ता ही चला गया लगातार। हाँ, वो क्या मालूम आपको, लेकिन क्या है कि जैसे अभी क्या है कि अपने ये रेंज निकले भाई, यहाँ से बाजार 900 से और क्या 200-250 पॉइंट और बढ़ सकता है क्या? हाँ, 200-200 पॉइंट बढ़ सकता है, तो ये आप मतलब 900 का माना 16 हो गया, 16100 हो गया, तो 16100 पे तो अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है ना। बिल्कुल, और ये तो एक्सपायरी पे हो रहा है, वो क्या है, वो जब रियल में उतनी उसकी तरफ चलेगा ना, तो आपको बीच में ही इतना प्रॉफिट नहीं लेकिन 15-16,000 रुपए मिल लेंगे, तो 1,000 शेयर में 15-16,000 रुपए तो काट ही लेना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई थिंक काफी सफिशियंट हो गया है।
मतलब बेसिकली आज अपने ने ये देख लिया कि कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे उसका एग्जीक्यूशन है, और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे उसका ये आप सॉफ्टवेयर सब क्लाइंटों को मतलब चाहे फ्री दो चाहे मतलब हम लोगों से टाई अप करके इसको इसका सब्सक्रिप्शन दो, किसी भी क्लाइंट को जो आपके यहाँ कोई एचएनआई क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है, मतलब मार्केटिंग लोगों, उनको पहले ये सॉफ्टवेयर को यूज करना बताओ कि भाई तुम युद्ध में जाने से पहले ना ये सिमुलेटर, जैसे नहीं वो अपने कार चलाने से हवाई जहाज चलाने से पहले सिमुलेटर होता है जिसमें उसकी पूरी सिनेरियो प्रैक्टिस होती है, पहले यहाँ प्रैक्टिस करके जाओ, जब यहाँ नफा कमा लेना तब वहां करना रियल में, तो उससे क्या होगा कार क्लाइंट का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होएगा, और वो क्लाइंट जो है वो ना, और एक चीज और भी हमेशा है, अगर क्लाइंट को थोड़ा थोड़ा नफा आता रहे वो आपको लंबे समय तक जुड़ा रहेगा और आपको ब्रोकरेज देता रहेगा, कभी भी एकदम से बड़ा नफा कमाने की क्लाइंट को कोशिश नहीं करना, वो रियल में होता भी नहीं, आज तक हम नहीं कमा पाए, दूसरा क्या तो या हमसे जो बड़े बड़े ज्ञानी वो नहीं कमा पाए, क्योंकि क्लाइंट में बाजार में सिर्फ दो लोगों को प्रॉफिट होता है, या तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उन्होंने खरीद लिया इन्फोसिस खरीद लिया था 1992 में 10,000 रुपए के, आज वो 3.5 करोड़ के हैं, एक वो आजकल बड़ी फेमस स्टोरी चल रही है सोशल मीडिया पे कि वो एक आदमी ने MRF के 2 लाख के शेयर खरीदे थे, उसका एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया, और उसका कोमा जो है 15 साल तक चला, और जब वो बाहर कोमा से आया और इस दरमियान उसकी फैमिली ने बहुत फाइनेंशियल मुसीबतें झेली, लेकिन जब वो 15 साल बाद कोमा से बाहर आया और फिर उसने सब अपने पेपर वेपर कुछ ढूंढ रहा था तो उसमें उसको वो MRF के शेयर मिल गए, और उन MRF के शेयर 2 लाख रुपए जो उसने इन्वेस्टमेंट किए थे इस समय उसकी मार्केट वैल्यू 160 करोड़ थी, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके कोई 160 करोड़ रुपए कमा सकता है, लेकिन थी, तो स्टॉक मार्केट में या तो इन लोगों को प्रॉफिट होता है या हम जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर को प्रॉफिट होता है, बाकी आप कुछ भी कर लो, कोई भी स्ट्रेटजी बना लो, कुछ भी कर लो, 2 दिन कमाओगे, तीसरे दिन लगेगा, वो जो 2 दिन कमाया वो भी लगेगा, और आगे जो 2 दिन कमाओगे वो भी लगेगा, और कोई इतना लग जाए कि आप फिर कोई नहीं मेरे को करना ही नहीं, तो क्या है कि या तो छोटा छोटा नफा आता है या आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाओ, तो उसमें भी एक बड़ा लॉजिक रहता है कि आप अगर MRF खरीदोगे तो आरकाम भी खरीदोगे, RCFT भी खरीदोगे, तो कुछ एक होल्डिंग होगी वो जीरो हो जाएंगी, लेकिन अगर उनमें कोई एक MRF बन गया तो वो क्या होता है कि जो जीरो हो गई है उनकी को तो मेकअप करता ही करता है, बाकी भी आपका वो मतलब वो जो वेल्थ एप्रिसिएशन होता है इज ह्यूज, ठीक है।